We all know Birsa Munda as a Indian tribal freedom fighter, religious leader, and a folk hero. He is the only tribal leader who have been so honored for his revolutionary attacks on the Christian missionaries. But the left liberal society today blatantly claims that his acts were nothing to do with protecting Hinduism. We have today with us BJP leader, author Tohin Sinha ji, and director producer Ashok Sharan ji to shed some light on Birsa Munda, his life, and the Christian missionaries. Ashok Sharan ji, till date, has produced more than 150 documentaries, films on tribal culture in India. Ulgulan Ikranti, the film on life of Birsa Munda, produced, directed by him, stands a highlight. The other guest today, Tohin Sinha ji, is a BJP leader who has authored more than 8 books till date and is coming up with a book on life of Birsa Munda by August 2021. Namaste, Ashok ji and Tohin ji. Welcome to the discussion on Birsa Munda, his life, and the Christian missionaries, which I'm sure is going to be of much interest as on today. To begin with, my very first question to both of you would be, how would you broadly define Birsa Munda as a revolutionary leader when it comes to conversion to Christianity? देखिए, बिरसा मुंडा जी का जो योगदान है भारतीय स्वतंत्रता अभियान में वो अद्वितीय है. और चूंकि ये जो इंटरव्यू है आप वायर में लिखे गए एक आर्टिकल के संदर्भ में कर रही, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वायर जो है कायर मानसिकता को, कि कायर प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, जो मात्र आज नक्सलियों का की मानसिकता है. तो अगर वो कह रहे हैं, वो अगर कोई बात कह रहे हैं बिरसा मुंडा के बारे में, तो आप मान लीजिए कि वो गलत कह रहे हैं. बिरसा मुंडा जी का योगदान दो मायने में बहुत प्रमुख था. एक तो पूरी जो आज दक्षिण झारखंड का क्षेत्र है, खूंटी से लेकर रांची और उधर आगे झारखंड चाईबासा और जमशेदपुर की ओर, उस पूरे क्षेत्र में उन्होंने अपने रेवोल्यूशन के द्वारा जो आदिवासियों पर शोषण हो रहा था, और जब शोषण हो रहा था तो मैं पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, शोषण दो मायनों में होता था. जो जमींदार थे वो भी अंग्रेजों के लिए काम करते थे, जो मिशनरीज थे वो भी अंग्रेजों के लिए काम करते थे. तो बिरसा मुंडा जी जो है, एक बार जो लुथरन अकेडमी है चाईबासा में, 4 साल जब वहां पर क्रिश्चियनिटी धारण करने के बाद, पढ़ने के बाद जब पूरी तरह से मायूस हो गए थे, तब 1894 के उपरांत जो उनका 6 साल का जो सफर था, और मुख्य तौर पर जो लास्ट 1 साल में जो विद्रोह हुआ था, वो एक तो मिशनरी के खिलाफ केंद्रित था, दूसरा समस्त जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके विरुद्ध केंद्रित था. लेकिन उसकी वजह से मेरे ख्याल से पूरे जो आदिवासी क्षेत्र है मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, उसमें आजादी की लड़ाई में एक नई ऊर्जा आई थी. अशोक जी एक फिल्म बना चुके हैं, निर्देशन किया है उन्होंने, निर्माता है उस फिल्म के बिरसा मुंडा के, वो आपको और बताएंगे बिरसा मुंडा जी के बारे में. सर, हाउ वुड यू डिफाइन? बहुत सही है, मैं सहमत हूँ और दुबिन जी से बहुत सहमत हूँ. और मैंने इस फिल्म बनाने के पहले कम से कम 10 साल इस पर हमने रिसर्च किया है. मैंने ट्राइबल्स पे कम से कम 150 डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं, और मैं झारखंड से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हूँ बिरसा मुंडा से. और बिरसा मुंडा फिल्म बनाने से पहले मैं वो वैसे सभी जगहों को मैंने विजिट किया जहाँ जहाँ बिरसा मुंडा का एक्टिविटीज रहा, जो बातें रही, मैंने वो सारी किताबें पढ़ी जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड छापी गई थी या उस वक्त उसमें मौजूद था. ये जो आप आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये बरगलाने वाली बात है, ये अब की बात कर रहे हैं. और बिरसा मुंडा की लड़ाई जो थी 1800 से 75 से लेकर 1900 के बीच रही है, ये 25 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब उस समय लोग कहते हैं कि उनको जहर दे के मार दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने हैजा दिखाया था. लेकिन बात यही थी कि उनको मारा गया था, क्योंकि अंग्रेजों के लिए और मिशनरी के लिए इतना बड़ा वो टेरर बन गए थे बिरसा मुंडा कि उनको उन लोगों ने मारना ही उचित समझा, नहीं तो फिर उन्हें इतनी दिक्कत आती. क्योंकि जब उस समय क्रिश्चियन काफी, क्योंकि एक तरफ जो अंग्रेज टॉर्चर करते थे
अंग्रेज टॉर्चर करते थे और वहां ईसाई मिशनरी पहुंचते थे और उनको मलहम पट्टी करते थे कि तुम आ जाओ मेरे इसमें आ जाओ, और इस तरीके से वो कन्वर्ट करते थे वहां, और इस तरीके से उन्होंने एक बहुत बड़े स्तर पे कन्वर्ट किया था। जब वो दौर आया बिरसा मुंडा का, और बिरसा मुंडा जब बड़े हुए और लूथरन मिशन जो चाईबासा में आज भी वो चर्च है, स्कूल है जहाँ बिरसा मुंडा ने अपनी पढ़ाई की, लेकिन वो कहीं आज के बच्चे भी बहुत सारे मिशन स्कूल में पढ़ते हैं, तो ऐसी बात तो नहीं कि वो सब क्रिश्चियन ही बन गए हैं। तो बिरसा मुंडा चूंकि वहाँ वो कभी क्रिश्चियन, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन को बहुत नजदीक से देखा, फादर को बहुत नजदीक से देखा जी, और उनको ये लगा कि अंग्रेज तो हमारे शोषण कर ही रहे हैं और ये मिशनरी भी हमारे शोषण कर रहे हैं हमें। चूंकि आप जानते हैं आज भी हमारे जो ट्राइबल हैं बहुत ही साई नेचर है, बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग, आप अगर प्यार से उनसे मिलेंगे तो वो आपको इतना प्यार देंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप उस प्यार में उनको धोखा भी दे सकते हैं, इतने भोले भाले लोग। तो कहने का मतलब कि वो इनके अंग्रेजों के और ईसाइयों के ऐसी बातों में आ जाते थे, तो बिरसा मुंडा को लगा कि ये जो है ये गलत हो रहा है। अब चूंकि थोड़ा सा अब मूवमेंट उस समय अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था और सारे ट्राइबल्स एक इकट्ठा हो रहे थे, चूंकि उनके जंगल जमीन का अधिकार छिन गया था, उनकी जमीनें छिन रही थी, क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उनके पीछे पीछे साहूकार जमींदार सबको लाए और उनको उन लोगों ने ट्राइबल की जमीनें देना शुरू कर दिया। तो उनको लगा कि ये तो फिर हमारे साथ अच्छा, ये ईसाई वाले बोलते थे कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तुम आ जाओ मेरे इसमें तुम्हें जमीन दिला दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इनको कन्वर्ट किया गया। तो बिरसा को ये बात लगा कि ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, अंग्रेज तो हमारे साथ जो अत्याचार कर रही है और ये भी हमें धोखा दे रहे हैं। तब उसने बिरसा मुंडा वही लूथरन मिशन चर्च में उसने विरोध किया ईसाई के खिलाफ, और वहाँ ईसाई के खिलाफ उन्होंने ये डायलॉग मतलब हर किताबों में आप देखेंगे, साहब साहब एक टोपी, ये बिरसा मुंडा ने उस समय कहा था, मतलब अंग्रेज और ईसाई दोनों एक ही है। और वहां उसने वो स्कूल छोड़ा था, और छोड़ने के बाद वो क्योंकि आदिवासी जो ट्राइबल्स का अपना रिचुअल कल्चर और अपना धर्म इतना मजबूत है, क्योंकि अगर सनातन की बात करें तो मूल सनातन वह है, सनातन वहां से आता है। आज हम आदिवासी अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द, इससे पहले आदिवासी नहीं हुआ करते थे, वनवासी होते थे। आप वनवासी आप रामायण में देखेंगे, रामचंद्र जी ने उनको वनवासी संबोधित किया है। तो सवाल है, कोई भी आर्टिकल लिखने के पहले उसकी अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए, जिन्होंने आर्टिकल लिखी उनसे पूछिए कि क्या वो बिरसा मुंडा के उन स्थानों पर जाके विजिट किए हैं। ये इस तरीके से जो गलत दिशा देने के लिए और गलत चीजों को फैलाने के लिए अगर ये इस तरीके का अगर आर्टिकल छापते हैं या इस तरीके का मूवमेंट चलाते हैं तो ये गलत करते हैं। किसी भी महान व्यक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप महान व्यक्ति पर कोई किताब लिख रहे हैं या कोई फिल्म बना रहे हैं या उन पर कुछ काम कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर अध्ययन होना चाहिए, उनके यहाँ जाना चाहिए, उनको समझना चाहिए। मैं मतलब जो वहाँ के जमींदार थे आनंद पाड़, उनके फैमिली से मिला, बिरसा मुंडा की फैमिली से मिला हूँ, मैं उनके गांव गया हूँ। इतना अध्ययन के बाद जो मुझे लगा, मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई पार्टी से और किसी चीज से रिलेटेड होकर के मैंने बायस होके कोई ऐसी फिल्में बना दी है, ऐसा नहीं है। जो हकीकत था, जो सच्चाई थी, वो हमने बनाई है। तो ये सब मनगढ़ंत बातें लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। बिरसा मुंडा क्रिश्चियन नहीं थे और ये मिशनरी के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ मिशनरी के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने अपना विरसाई धर्म चलाया। आज भी आप चले जाइए खूंटी और उन क्षेत्रों में तो उनको उनके 5,000 से ज्यादा कहीं फॉलोवर है बिरसा मुंडा के, जो किसी का छुआ नहीं खाते हैं, खाली पैर चलते हैं, दाढ़ी बाल
नहीं बनाते हैं, महिलाएं कोई श्रृंगार नहीं करती है, कोई ऑर्नामेंट नहीं पहनते हैं, सादा साड़ी पहनती है, मर्द धोती और ये पहनते हैं, किसी का छुआ नहीं खाते हैं, आज भी है 4 बार बिरसा मुंडा की प्रार्थना करते हैं। तो ये क्या है? अगर कहते हैं कि नहीं ये मतलब बिरसा मुंडा को लेकर के ये कराया गया कि नहीं कृष्ण के खिलाफ ये नहीं थे और उनको हिंदुत्व की तरफ मोड़ने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं है, ये सच्चाई है कि बिरसा मुंडा ने कृष्ण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और आपको ये बता दूं कि अगर बिरसा मुंडा नहीं होते तो हमारे देश के 2 टुकड़े होने थे, एक पाकिस्तान तो बनना ही था, एक क्रिश्चियन लैंड भी बनना था। ये बिरसा मुंडा का आंदोलन है जिसकी वजह से हमारा देश एक कंट्री और बनने से बच गया। आप पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों के आर्टिकल में ये बातें आती है, मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ। तो ये है और भी बहुत सारी बातें, आप क्वेश्चन के हिसाब से पूछेंगे तो मैं बताऊँ। जिस आर्टिकल की बात हो रही है दैट इज डेटेड ऑन 9 जून, named as Remembering Birsa Munda the Social Reformer, and I quote here ki article mein ye likha hai, this is deliberate misreading of history and willful deception. Birsa Munda attacked Christian missionaries, but these attacks had nothing to do with safeguarding or protecting Hinduism. Is baat mein kitni sachai dekhte hai isko, ye unko kahiye ki ja kar ke Dorpa ke चर्च में विजिट करें, सर्वदा के चर्च में विजिट करें जो सर्वदा चर्च है, उनको देखें कि वो देखने के बाद पता चलेगा कि बिरसा का अटैक कैसे चर्च में हुआ था। और ये 24 यहाँ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, देखिए ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल था, क्योंकि ये मुहिम जो है इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा चला रही है कि आदिवासी जो है वो सनातन धर्म से अलग है, तो हमारा तो ये मानना है और ये तथ्य से हम साबित भी कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि आदिवासी जो है वो सनातन धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। तो अगर ये हम प्रमाणित कर दे तो वो आर्टिकल वैसे भी निराधार हो जाता है। मैं स्वयं जो है अपने पहले 18-19 साल जो है जमशेदपुर में बिताया हूँ, मैंने कई ऐसे इलाके देखे हैं, वो दालमा के पहाड़ी पर एक शिव मंदिर है, रांची की पहाड़ी मंदिर की बात कर ले, जहां उतनी ही श्रद्धा से आदिवासी लोग जो है वो शिव मंदिर में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जितना कि आम हिंदू करते हैं। तो ये विवाद जो है वो तो वैसे भी निराधार हो जाता है, क्योंकि आदिवासी जो है, और ऐसे अनेक प्रमाण है पूरे पूरे झारखंड के अंदर, और वैसे भी जो है अगर आप इतिहास में जाएं तो जो जो शिव भगवान की पूजा पहाड़ों में होती थी आदिवासियों के द्वारा, उसको जो है अपर कास्ट हिंदूज ने मंदिर में लाया। तो ये तो हजारों वर्षों का इतिहास है, शिव भगवान की पूजा जो है पहाड़ों पर, आपको जो है कृतियां दिखेंगी, आकार दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट हिंदुओं का कि आदिवासी धर्म इसलिए अलग है क्योंकि वो वन की पूजा करते हैं, वो कुदरत की पूजा करते हैं, तो ऐसा कौन सा हिंदू त्योहार है जिसमें नहीं होता है? अब छठ की बात करें तो सूर्य भगवान की हम पूजा करते हैं, गंगा नदी या नदी की अहमियत या महत्व जो है सबको पता है हिंदू धर्म में, तुलसी का पूजन नहीं करते हैं हम, क्या पीपल पेड़ की प्रार्थना नहीं होती है शनिवार को? तो मेरे ख्याल से ये जो एक थियरी बनाई जा रही है कि ये धर्म अलग है, सरना धर्म है, ये कहीं ना कहीं वायर की आर्टिकल जो है बिना सरना धर्म का नाम लिए उसी ओर इशारा कर रही है, और उसी ओर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है जिसका कोई आधार नहीं है। देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रमुख आदिवासी वक्ता थे जयपाल मुंडा जी, उनके आप जितने भी स्पीचेस सुन ले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया है कि आदिवासी जो है एक अलग धर्म है या हिंदू धर्म से अलग है। तो ये लोग नए जो लोग आए हैं ये जबरदस्ती जो है ये नक्सली मानसिकता के लोग, और इन्हें उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जी अशोक जी, इफ यू कुड शेड सम लाइट ऑन हाउ दीस क्रिश्चियन मिशनरीज एक्चुअली वर्क, लोग क्यों कन्वर्ट होते हैं या फिर होते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को कन्वर्ट होने पर क्यों मजबूर करती है? देखिए ये इसका मूल कारण है गरीबी और शोषण, क्योंकि अंग्रेजों के समय भी बहुत शोषण था और गरीबी बहुत थी, क्योंकि उनके जंगल छीने जा रहे थे, जमीन छीनी जा रही थी, और ये जो जमींदारी प्रथा जो आई ये क्या था, ये जमीनों को छीन करके बनाया गया, ये उसका एक मूल कारण
उस समय था कि वे उनका फायदा उठाते। दूसरी बात, आज भी क्रिश्चियन उसी जगहों पे क्यों अटैक करते हैं जहां इनको लगता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा स्थान है क्रिश्चियन में ईसाई में कन्वर्ट करने का। आज भी मैं बताता हूँ, ये ऐसे ऐसे चाल चलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैं आपको डिंडोरी मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। ये जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं, लोगों से मिलते हैं कि भाई तुम ईसाई धर्म में आ जाओ, प्रभु यीशु ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे वैसे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, जिस गाड़ी से जाते हैं उस गाड़ी को ये स्टार्ट करते स्टार्ट नहीं, ठीक है। ये भोले वाले लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्राइबल बहुत भोले वाले लोग हैं कि गाड़ी स्टार्ट करते स्टार्ट नहीं होता, बहुत कोशिश करते हैं। फिर गांव वालों को बुलाते हैं कि भाई तुम लोग आ जाओ, थोड़ा गाड़ी ठेलो। ये बेचारे ठेलते हैं, वो ब्रेक में अपना पैर दबा के रखता है, फिर वो कहता है कि अच्छा चलो बजरंग बली का नाम लेके ठेलो। अब वो जाए बजरंग बली करके ठेलते तो भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, स्टार्ट नहीं होता है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो प्रभु यीशु का नाम लेके चलो ठेलो, ठीक है। और ये प्रभु यीशु को बोलते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इनको लगता है कि क्या चमत्कार है। तो ये भोले भाले लोगों को ऐसे ऐसी मतलब चीजों को लेकर ये लोग फंकते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं। ये बेचारे, इनको कोई समझ नहीं आता है कि ईसाई क्या है, वो क्या है, वो उसमें कन्वर्ट होते हैं। कोई इच्छा से कोई नहीं होता है। तो ये आज भी ऐसा कर रहे हैं। ये कोई आसानी से, और आज समझदार आप बनाओ ना, किसी और को बनाओ, शहरों में जाके आप बनाओ, हमें और आपको बनाओ कि हाँ भैया प्रभु यीशु आपके बड़े शक्तिशाली हैं, आप आ जाओ बन जाओ, क्यों नहीं, हम पर क्यों नहीं आते हैं, हम हमारे साथ क्यों नहीं ईसाई धर्म में परिवर्तन की बात करते। क्योंकि उनको पता है, उनको पता है कि हम ऐसे जगह टारगेट करें, ऐसी जगह अटैक करें जहां ये आसानी से हमारे ये हो जाए। तो ये है। और भी मैं बताऊं, अभी इनका सिस्टम चेंज होता है। मुझे किसी ने एक तस्वीर भेजी थी, कहीं केरल का था, तो चर्च में हनुमान जी का भी फोटो है, मंदिर भी लिखा है, ईसाई भी, चर्च भी लिखा है। वो फोटो एक हमें लोगों ने भेजी थी। अब ये गेरुआ वस्त्र पहन के जाते हैं ईसाई धर्म ये करने के लिए। प्रभु यीशु का भी वो लॉकेट टांगे होते हैं, और हिंदू अपने भगवानों का भी लॉकेट टांगे होते हैं, और जाते हैं कि देखो दोनों एक है, ये तुम प्रभु यीशु के क्या का नहीं हथकंडा अपनाते। लड़कियों को कहते हैं आप लड़कों को फंसाओ, हिंदू लड़कों को फंसाओ और उनको कन्वर्ट करो, और जबरन जब शादी होती है तो ये उसमें ये होता है कि आप मतलब क्रिश्चियन धर्म अपनाओगे तब हम अपनी लड़की देंगे या मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। तो ये ऐसे ऐसे हथकंडा अपनाते हैं ईसाई धर्म बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। और ये जो जोड़ा जा रहा है, जो हिंदुत्व और भारत के खिलाफ जो साजिश चल रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। ईसाइयों को कह मतलब आदिवासियों को कहते हैं कि आपका धर्म अलग है, अपने जो दलित समाज है, जो अंबेडकर समाज है, और ये तीन चार कम्युनिटी मतलब इस तरीके से मिलके भारत के खिलाफ अलग काम करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो समझदार हैं वो समझ रहे हैं और ये हथकंडा में नहीं फंसने वाले हैं, और ये ठीक कर रहे हैं। तुबिन जी, सनातन सब सनातन है, सनातन है ये हिंदू और ये बाद में आता है, हम सब सनातन ही है। आप आज भी चले जाइए, ऐसे ऐसे केव हैं, ऐसे ऐसे गुफा हैं हजारों हजार साल पहले, वहां शंकर की मूर्ति मिलती है, शंकर मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ मिलते हैं। तो ये क्या है भाई, जबकि कोई धर्म का उदय भी नहीं हुआ था, ना उस समय मुस्लिम था, ना उस समय ईसाई था, ना कोई और था। तो ये क्या है कि उस समय हमें शंकर की मूर्ति या गणेश की मूर्ति या वो मिलती है गुफाओं में। मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसे ऐसे गुफाओं में जो 50,000 वर्ष पुराना है, 1 लाख 1.5 लाख वर्ष पुराना है, और उन गुफाओं में शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है। तो ये कौन लोग थे, कौन लोग पूजा करते थे? राम रामायण काल में राम जी के वनवास में उनको किसने वो इतना सेवा की, किसने सहयोग किया, तबरी क्यों उनको इतना बैर खिलाई, ये क्या था? अगर ये सब अलग होते तो ये धर्म और इसकी बात है, क्योंकि उस समय राम की पूजा करते थे सारे। आज भी आप भील और उन क्षेत्रों में चले जाइए, वो जय श्री राम ही होता है, सुबह उठते ही जय श्री राम। आप परिचित हो
नहीं हो, आप अगर उस गांव में जाएंगे तो आपको सब जय श्री राम बोलेंगे। तो ये क्या है, ये क्या आज की परंपरा है? ये हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है और ये सब सनातनी है। इस ये जो चल रहा है ये समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है कि ये कितनी बड़ी साजिश राष्ट्र के खिलाफ और धर्म के खिलाफ चल रही है। So, Inji, there's a lot of conversion seen in, especially in the northeast areas in South India and the north part of India. So, what is the specific reason you think for this happening? देखिए, इंडिया भारत की जब से स्थापना हुई है 1947 से, तब से एक डेमोग्राफिक वॉर चल रहा है हिंदुस्तान। एक तरफ जो है इलीगल बांग्लादेशीज को कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सेटल कराने का काम कर रही है। तो अगर आप सेंसस देखें, 1951 का सेंसस देखें और अभी 2011 और अब जो 2021 का सेंसस आएगा, तो जहां मुसलमानों की आबादी कुछ 8.5 थी 1951 में, आज वो 15% से ऊपर हो गई। हिंदुओं की आबादी जहां 85% थी, अब वो 80% से कम है। तो ये एक डेमोग्राफिक वॉर का नतीजा है और इस डेमोग्राफिक वॉर में ये जो कन्वर्जन है टू क्रिश्चियनिटी, ये भी एक बड़ा एलिमेंट है, आज की तारीख में बन गया है। तो अगर आप 8% जो आदिवासी है पूरे भारत में, झारखंड से लेकर राजस्थान तक, तेलंगाना में भी है और फिर वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप उसको हिंदू धर्म से अलग कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि भारत की नींव जो है वो हिल जाएगी। यही है ये मुख्य कारण। और इसमें फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है, फॉरेन फंडिंग के बगैर जो है ये नहीं हो सकता है। क्यों, जिस नेता ने आज से 2 महीने पहले इस बात की घोषणा की थी कि आदिवासी कभी हिंदू ना था वो ना रहेगा, क्यों उसने एक हार्वर्ड के फोरम पे की थी? क्यों? क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ऑडियंस को संबोधित कर रहा था, वो भारत को शर्मसार करने की कोशिश कर रहा था। तो इसीलिए मैंने पहले वाक्य में कहा था, ये लोग नक्सली मानसिकता के लोग हैं जो राष्ट्रवाद के विरुद्ध हमेशा से काम करते आए। और जब वो 8% जो आदिवासी हैं, उनको वो उनके मन को भ्रमित करते हैं, उनके मन को मन में विष पैदा करते हैं हिंदू समाज के खिलाफ, तो अपने मंसूबों में वो कुछ हद तक कामयाब पाते हैं, होते हुए पाते हैं अपने आप। तो ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और बल्कि झारखंड में ही जब भाजपा की सरकार थी तो हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी पास किया था, एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की कोशिश की थी और लॉ आया भी था, क्योंकि आज मेरे ख्याल से उस लॉ को वापस लिया गया है। तो मेरे ख्याल से कन्वर्शन के खिलाफ जो है वो अलग अलग तरीके से, लीगल तरीके से भी, और ज्यादा विजिलेंट होकर काम करना होगा, क्योंकि ये एक डेमोग्राफी वॉर का, बड़े डेमोग्राफी वॉर का एक हिस्सा है। That Birsa Munda, who declared himself a prophet king, they say, urged the tribal people to get back to Hindu roots to form his own empire, which certainly would not have been possible while the missionaries were in work. So, how would you counter these blatant remarks? देखिए, सबसे पहले तो जो आदिवासी वर्ग था उस वक्त, वो इतना evolved नहीं होता था कि उसको समझ हो कि नाम से हिंदू में क्या क्या आता है, क्रिश्चियनिटी में क्या क्या आता है। उसको पता था कि एक अत्याचारी वर्ग है जो धर्म परिवर्तन के जरिए उन पर अत्याचार कर रहा है। उन्हें कोई विशेष अंतर, देखिए जब आप वनों में रहते हैं, मैं अगर शहर में हूं तो मेरी प्रथाएं कुछ अलग होंगी उनकी तुलना में, बशर्ते उनकी तुलना में जो वन में रह रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि आदिवासियों की कुछ प्रथाएं जो हैं वो रांची में रहने वाले जो शहरी लोग हैं उनसे अलग रही होंगी। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं था कि वो सनातन धर्म के का हिस्सा नहीं है। तो स्वाभाविक है, जब बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन को, देखिए एक सरदार मूवमेंट के नाम से 1850s से ये चला आ रहा था, अलग अलग तबकों में मुंडा जो है रिवोल्ट करते थे। अब वो कई बार जो है वो रेवोल्यूशन जोर पकड़ता था, कई बार जो है, क्योंकि अब ये गरीब लोग थे, कभी पैसे के प्रलोभन में, कभी कुछ और प्रलोभन में ये मूवमेंट खत्म हो जाता। जब 1894 में आनंद पांडे जी के प्रशिक्षण पाने के बाद जब
वो वापस अपने गांव आए बिरसा मुंडा, जब उन्होंने अपने अपने रिलीजियस डिस्कोर्सेज अपने रिलीजन के ऊपर बात करनी शुरू की, तब ये सारा जो मुंडा ये जो सरदार मूवमेंट चला रहा था पिछले 40-50 सालों से, उनको एक मसीहा दिखा बिरसा मुंडा और ये सब उनके पीछे आ गए। तो स्वाभाविक है कि जितने मुंडास कन्वर्ट हो चुके थे क्रिश्चियनिटी में, पहला मकसद था, अब ये भी स्वाभाविक है कि जो प्रथाएं वो फॉलो कर रहे थे, अब जब वो क्रिश्चियनिटी से बाहर आते हैं, सिनबोंगा नाम का उनका अपना भगवान होता है, अशोक जी बेहतर बता पाएंगे, जो सूर्य भगवान को कहते हैं, सिनबोंगा कहते हैं, कुछ स्पिरिट्स की पूजा करते थे, तो स्वाभाविक है कि वो उन प्रैक्टिसेस में वापस आएंगे। तो ये तो सीधा सीधा जो है डीकू जिसको कहते थे, डीकू मतलब जो भी बाहर वाले होते थे, वो जमींदार भी होता था, वो मिशनरी भी होता था, वो पूरा अंग्रेज साम्राज्य भी होता था, तो इन सब के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन फादर हॉफमैन का जिक्र विशेष तौर पर आता है बिकॉज जर्मन मिशनरी जो है उस वक्त उस पूरे इलाके में बहुत सक्रिय थी। जर्मन मिशनरी के को कुछ टारगेट्स दिए गए थे कि इंडिया में आपको झारखंड के क्षेत्र में इतने अगले 10 साल में इतने लोगों को का धर्म परिवर्तन करना है। तो जिस जिस अग्रेशन के साथ वो अपना काम कर रहे थे उसमें फादर हॉफमैन जो है उन एक मुख्य तौर पर विलेन बन गए थे बिरसा मुंडा के। और आखिरी के का जो 2 साल था उनका, वो इसलिए भी जो है मिशनरीज के विरुद्ध ज्यादा केंद्रित था या चर्चेस के खिलाफ, क्योंकि वो त्रस्त हो गए थे फादर हॉफमैन की जो जो चाल था, जो जो निरंतर वो अपने अपने दाव पेट से आदिवासियों को परेशान करते आए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी को भी जो जो होश में हो या जो अच्छी नियत और मानसिकता रखता है उसको कोई भी संदेह होगा इस बात पर कि बिरसा मुंडा जो है सनातन धर्म के हिस्सा नहीं थे, वो एक अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे। जी अशोक जी, yeah Ashok ji, Christian missionaries these days in the pandemic times are making the most out of COVID. The renowned medical fraternities also are representing these missionaries, saying that Jesus is the God of health and that COVID can be cured only when Christian religion is followed or adopted. If Birsa Munda ji was alive today, what do you think would have been his step against this? ये बात जो आप कह रही हैं, अगर ऐसी बात होती तो ये जो केरल में इतने लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, केरल एक बहुत ही क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, ऐसे कई स्टेट है, तो वहाँ ये चमत्कार ये क्यों नहीं दिखाते, यहाँ वहाँ क्यों नहीं लोगों को ठीक करते हैं कि कोरोना का इलाज ये है। ये सब जो है ना, ये मैं कैसे आपको बताया ना कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या ये लगाते हैं। कोविड एक इंटरनेशनल, अभी अपनी इटली को क्यों नहीं बचा पाए कोविड से, ये लोग क्यों नहीं अपने उन कंट्री को बचा पाए जो मिशनरी पूरे मिशन क्रिश्चियन ईसाई है, उनको क्यों नहीं बचा पाए, ज्यादा लोग तो वहां मरे। हमारे इंडिया में कैसे चमत्कार करने आ गए ये लोग कि कोविड में एक चमत्कार करेंगे और ये प्रभु यीशु कोविड खत्म कर देगा और आप ही हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में ये बहुत ही आसान है। और इंडिया वर्ल्ड का एक ऐसी जगह है जो हर कंट्री का एक टारगेट है कि इसको हम कैसे। हेलो, हाँ सॉरी, तो आप देख रहे होंगे कि चाइना एक अपना कहाँ अटैक करने की कोशिश या कैसे इंडिया को हम ये कर सकते हैं। और अभी तुविन जो भी कह रहे थे कि ये जो एक बहुत बड़ा फंडिंग हमारे देश में आ रहा है, इनका चाहे वो मुस्लिम समाज ये धर्म हो, ये धर्म तो मैं इनको नहीं मानता हूँ, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में नहीं मानता हूँ, इनका एक मिशन है, मैं इनको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मानता हूँ। इनका एक मिशन है कि सबको ईसाई पूरे दुनिया में हमारा साम्राज्य होगा, सब प्रभु यीशु के शरण में आएंगे तो हमारा साम्राज्य होगा। और ये 1 पॉइंट टारगेट लेकर के जितनी चीजें ये बनाते हैं, ये इसका ही एक पार्ट है। हमारे यहाँ बहुत भोले भाले लोग हैं, तो इनको आप जो समझा दीजिए, अभी आप खुद देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम कोई भी कोविड हुआ होगा तो 50 कॉल आते थे, कोई कहता था ये कर लो, कोई कहता था वो कर लो,
सब डॉक्टर थे और सब में सब फॉर्मूला अपनाते थे कि आप ऐसा करो आयुर्वेद पे चल जाओ, कोई कहता था होम्योपैथ पे चले जाओ, कोई कहता था। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हम पढ़े लिखे लोग जब इन बातों में इतने इफेक्टेड हो रहे थे, तो ये बोले वाले लोग कि प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं और ये करते हैं तुम ठीक हो जाओगे, तो ये सब बहुत बहुत बड़ा एक वो चल रहा है अभियान ये लोग चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार है तो एक सनातन धर्म का ही एक चमत्कार है, सनातन ही एक ऐसा है। ये जितने लोग आज अन्य धर्मों की बात करते हैं सब यहीं से पैदा हुए। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन वो मूल चीज है जिससे सभी लोग आए, सब लोग सनातन के एक अंग है। ये अलग बात है कि हम अलग होकर के हिंदू और इनकी धर्म की बात करते हैं, हिंदू कहें या सनातन कहें दोनों एक ही है। और आदिवासी, मैं तो बताया ना कि आदिवासी का आप आज भी देवी, आप चले जाइए हिमाचल की तरफ, आप हिमाचल में कई ऐसे त्योहार होते हैं, आप नवरात्र दुर्गा पूजा के समय चले जाइए, वहां विशाल रैली जनजातियों का होता है, ट्राइबल का होता है, और उसमें देवी की इतनी बड़ी रैली। और ये आजकल की बात नहीं है, ये सदियों से महाराजाओं के समय से ये प्रथा और ये चलती आ रही है। तो ये फिर अलग कैसे है कि आदिवासी अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए, सनातन एक अलग धर्म हो गया, ये मतलब। और ये ठीक कर रहे तुविन जी, इतनी बड़ी फंडिंग आ रही है, आप चले गए नक्सल के पास, जितने वेपन्स मिलते हैं वो कहाँ कहाँ मिलता है, वो चाइना और इन लोगों का दिया हुआ मिलता है, पैसे आ रहे हैं। आज आप किसान आंदोलन की बात करें तो इतने लोग जो इस तरीके से बैठ के खा रहे पी रहे और ये कर रहे, कहाँ से? देश को टुकड़े करने का, देश को कमजोर करने का ये बहुत बड़ी साजिश है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से ये हथकंडा अपना रहे हैं, धर्म से अलग करने का जुलूस करके, किसी मिशन को लेकर के नक्सल से ये देश को तोड़ रहे हैं। लेकिन सनातन या हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि आप इस पर कितना भी अटैक कर लीजिए, ये अंततः यही रहेगा। और ये सबको मानना पड़ेगा कि यही मूल चीज है और ये धरती का मूल यही रहेगा आधार, कोई नहीं रहने वाला है, यही रहने वाला, और इसी से पूरी दुनिया सुरक्षित होगी। आप देखिए, अभी मैं देखता हूँ इस्कॉन टेम्पल और ये सब वो लोग हरे रामा हरे कृष्ण करके हमारी भारतीय संस्कृति को वो समझ रहे हैं, भारतीय संस्कृति में वो आ रहे हैं कि ये क्या है। इसलिए ये ऐसे लोग हैं, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो बहुत खतरनाक तरीके से राष्ट्र को, देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। अशोक जी, आपने 2004 में बिरसा मुंडा जी के लाइफ पे एक मूवी फीचर फिल्म डायरेक्ट की थी, प्रोड्यूस की थी, सो अगर आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहे तो। देखिए, ये बिरसा मुंडा, चूंकि मैंने ये बताया था कि मैं 150 डॉक्यूमेंट्री ट्राइबल्स बना चुका हूँ, भारत के ट्राइबल्स पे 150 डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाए। शुरुआत मैंने डॉक्यूमेंट्री से की थी, लेकिन मेरा सपना था, क्योंकि मैं झारखंड से रहने वाला हूँ और झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है, तो मेरा एक सपना था कि जब मैं फीचर फिल्म बनाना शुरू करूंगा तो मेरी पहली फिल्म बिरसा मुंडा होगी। और ये टारगेट होने के साथ साथ मैं बिरसा मुंडा पे काफी अध्ययन कर रहा था। मैं आज भी जंगल में बैठा हूँ और जंगलों में घूमता रहता हूँ, जंगल पहाड़ों में ही घूमता हूँ। भारत की कोई ऐसी जनजातीय क्षेत्र नहीं है जहाँ मैं नहीं जाता हूँ, जहाँ मैं मतलब उनके साथ रहना, उनके साथ खाना, उनके साथ सब कुछ है। तो मैं उस दरमियान बिरसा मुंडा के जितने एक्टिविटीज फील्ड थे, जो भी था, मैं उसमें काफी जाता आता रहता था, मैं चीजों को देखता था, समझता था, और मुझे लगा कि एक ऐसे महान क्रांतिकारी, मुझे भी एक प्रश्न था कि भगवान क्यों कहा जाता है। बहुत सारे क्रांतिकारी हैं हमारे देश के, लोग उनको भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन हम बिरसा मुंडा को भगवान क्यों कहते हैं? और आपको ये बताऊं, ये सिर्फ झारखंड में इनको भगवान बिरसा मुंडा नहीं कहा जाता, मैं आपको बताऊं झारखंड से कहीं ज्यादा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बंगाल में इनको भगवान बिरसा मुंडा की तरह पूजते हैं।
आप इनकी जयंती आप जब मनाते हैं या जन्मदिन मनाते जो, तो उनके यहाँ भगवान बिरसा मुंडा मतलब आदिवासी क्षेत्रों के गांव गांव में पूजा जाता है। आप गढ़चिरौली में चलिए, हर घर में आपको बिरसा मुंडा की तस्वीर और बिरसा मुंडा का स्टैचू मिलता है। तो ये जब मुझे लगा कि इस पे एक अच्छी फिल्म बन सकती, बनाना चाहिए, क्योंकि एक 24 साल का मतलब 25 साल भी पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि जहर में उनको जेल में जहर देके मार दिया गया था, और इतने शॉर्ट पीरियड में आपको बताया कि उस पीरियड में उन्होंने रामायण को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, वो पूरी जो अपना जगन्नाथपुरी है वहां गए हैं, तपस्या किया उन्होंने। जब उनको ये लगा कि इस आंदोलन को, और उन्होंने एक विरसाई धर्म चलाया था, वो सत्य अगर कहा जाए तो सत्य अहिंसा की लड़ाई का प्रारंभ वो है। हम आज ठीक है गांधी जी को सत्य अहिंसा की लड़ाई मानते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि आज भी ट्राइबल की एक्टिविटीज पूरे दुनिया को नहीं पता होता, भारत को नहीं पता होता कि कितने काम हो रहे, कितने अच्छे अच्छे प्रतिभा है या कितना अच्छा ये लोग हैं, ये नहीं होता। लेकिन जो एक्सपोजर उनको गांधी जी को मिला, वो एक्सपोजर कहीं बिरसा मुंडा को उस वक्त मिलना चाहिए था, लेकिन बिरसा मुंडा जैसे व्यक्ति को उस समय हाईलाइट नहीं किया गया, दबाया गया। ये तो चलिए धीरे 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 लोग समझने लगे, मांग उठने लगी कि हमारा ये भगवान है, इनके लिए उनको सामने आना चाहिए, और अब आज भगवान बिरसा मुंडा को लोग जानते हैं। तो मैंने फिर ये फिल्म की शुरुआत की, फिल्म बनाई, काफी रिसर्च किया हम लोगों ने, और कड़िया मुंडा जी ने लिखा है इसको, क्योंकि कड़िया जी का इसमें इन्वॉल्व होना इतना आवश्यक था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और वो उसी कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं जो बिरसा मुंडा का एक्टिविटीज रहा है, जहाँ बिरसा मुंडा का गाँव है, तो वो उनका कहीं ज्यादा इसमें अध्ययन था। मैंने उनको अब चूंकि 150 साल पहले की फिल्म बनानी थी, तो पूरा ऑर्नामेंट बनाना, उस समय के कपड़े तैयार करना, तो उसमें कड़िया मुंडा जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। हम लोगों ने इसको बहुत मेहनत की, और उसके बाद हम लोगों ने एक फिल्म बनाई, कैसे क्या हुआ, कब जेल गए, कब उन्होंने ईसाई धर्म का विरोध किया, उसके बाद आनंद पहाड़ के पास आए, उन्होंने गीता रामायण का अध्ययन वहां किया, उन्होंने आनंद पहाड़ किया, और फिर तब उन्हें लगा कि कहीं हमारा समाज और हमारा राष्ट्र कहीं गलत दिशा में मुड़ गया है, उसको एकजुट करना है, एक समाज मिलाना है। तो फिर उन्होंने एक ईसाई धर्म चलाया, ईसाई धर्म में उनका था कि हम अपने पूर्वजों को माने, अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए ही का ही धर्म हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, हम उसको माने, आप उसमें आओ, और उस समय आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें ये झाड़ फूक को उन्होंने अंधविश्वास बताया, शराब, चूंकि ये अंग्रेजों का उस समय एक 1932 के बाद उन्होंने गांव गांव में दारू भट्टी खोलना शुरू किया कि इनको दारू में शराब पिलाओ, दारू भट्टी खोले। तो बिरसा मुंडा को लगा कि ये हमारी सारी बुराइयां है, जब तक हमारा समाज इन बुराइयों से दूर नहीं होगा, हम एक इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, और हमारा समाज भटक जाएगा, हमारा हिंदू एक समाज भटक जाएगा, हमारा समाज सनातन धर्म भटक जाएगा। तो फिर उन्होंने एक ईसाई धर्म कह के, उसमें वही सनातन धर्म ही था ईसाई धर्म में, तो उन्होंने फिर धर्म चलाया, और उस धर्म में सब लोग वापस आए, सबको एहसास हुआ कि हम कहीं गलत भटक गए थे, और ये जब ये धर्म में जब लोग आने लगे, तब जो फादर थे उस समय के, फादर होपमैन थे, बहुत सारे फादर थे, जब उनको लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो इनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, इनको पहला अरेस्टिंग किया गया, फिर बिरसा मुंडा को छोड़ा गया जेल से, फिर आए, 2.5 साल की सजा हुई थी, लेकिन उनके आचरण के कारण उनको 2 साल में ही छोड़ दिया गया था, और ये कह के छोड़ा गया था कि अब तुम कोई एक्टिविटीज नहीं चलाओगे, आप आराम से शांति से रहो और एकांत में रहो, कोई एक्टिविटीज नहीं। लेकिन बिरसा नहीं माने, वो पहली बार जब जेल से छूट के आए, तो वो क्रांति कहीं बड़े स्तर पे हुआ। उस समय झारखंड का राज्य होता था नौरत्नगढ़, आज भी है, टूटा फूटा हवेली है, वो झारखंड का साम्राज्य, हालांकि उस समय झारखंड बंगाल बिहार ऐसा कुछ नहीं था,
वो पूरा उड़ीसा वगैरह उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय एक बंगाल रेजिमेंट था और बंगाल के अंतर्गत ही ये झारखंड बिहार उड़ीसा ये सब आते थे। बंटवारा तो बहुत बाद में हुआ, मेरे ख्याल से 1912 में बिहार अलग हुआ, झारखंड तो आप जानते हैं बिहार झारखंड 2000 में अलग हुआ। आज हम झारखंड की बात करते हैं, ऐसा नहीं था। तो ये पूरा एक पूरे इसको छत्तीसगढ़ और राज्य जिसकी बात करते हैं वो सब एक जगह संगठित हुए और ये एक बड़ा आंदोलन चला। उनका ये था कि हम पहले अपने धर्म में सब वापस आए, हम अपने, क्योंकि अगर हम उस मूल चीज को उस जड़ को भूल जाएंगे तो हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते, कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। तब उन्होंने अपना बिरसाई धर्म के माध्यम से अपने पूर्वजों का, उन्होंने धर्म का पालन किया, लोगों को लाए, दारू से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, आप उनको उपदेश को पढ़ेंगे तो एक भगवान ही है जो ऐसा उपदेश दे सकता है। जब मैंने पढ़ा कि भाई आप झाड़ फूक में विश्वास मत करो, चोरी मत करो, नशा मत करो, अपना अपनी शक्ति से आप कोई काम करो, तो जब आप उनके उपदेशों को पढ़ेंगे तो लगेगा यार ये भगवान ही कर सकता है और हर भगवान यही कहते हैं कि आप ऐसा ही बनो। तो वो संगठित करने के बाद चूंकि मामला इतना बिगड़ चुका था और लोग इतने डिप्रेस थे अंग्रेजों और ईसाइयों के खिलाफ और उनके शोषण पे, इतने डिप्रेस थे कि उन्होंने बिरसा मुंडा को कहा कि ये ऐसे नहीं होगा, हमें हथियार उठाना पड़ेगा। और तब हथियार उठाने से पहले भी बिरसा मुंडा जी ने कहा कि देखो हथियार उठाना है, हथियार की लड़ाई से हम लड़ेंगे तो हमें भूखे रहना पड़ेगा, हमें जेल जाना पड़ेगा, हमें मरना पड़ेगा। तो सब लोगों ने एक मत होकर कहा था कि नहीं हम तैयार हैं, लेकिन अब ये हम शोषण नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये शोषण सहने से अच्छा हम मर जाएं, तो हमें इससे मुक्ति दो। और बिरसा मुंडा पर लोगों का उस समय बहुत विश्वास था और तब ये 1900 में ये लड़ाई लड़ गई थी डुमारी पहाड़ में अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन उस लड़ाई लड़ने से पहले 24 दिसंबर को बिरसा मुंडा ने वहां से 24 दिसंबर की रात लड़ाई शुरू की, बिरसा मुंडा का उलगुलान शुरू हुआ। ये इसलिए हुआ था कि बिरसा मुंडा ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि 24 दिसंबर की रात तो क्रिसमस मनाते हैं, तो 24 दिसंबर की रात ये सब पादरी और ये अंग्रेज सब एक जगह इकट्ठा होंगे 24 दिसंबर की रात, पार्टी शार्टी करेंगे और उस दिन हम इन पर अटैक करेंगे। और 24 दिसंबर की रात ठीक 12 बजे इन लोगों ने सर्वदा पर और कई कई जगहों पे इन लोगों ने अटैक किया और उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। फिर काफी उसमें अंग्रेज मरे, सिपाही मरे, उसमें फादर होपमैन पे भी तीर चलाई गई थी उस सर्वदा चर्च में, लेकिन वो बच गए थे, उन पर भी अटैक हुआ था। तब जाकर ये लड़ाई हुई और फिर अंग्रेजों ने फिर सर्च ऑपरेशन चलाया और बिरसा मुंडा को, चूंकि फिर क्योंकि वो अपना संगठन संगठित कर रहे थे। और फिर जब फाइनली लड़ाई की बात हुई, डुम्बारी पहाड़ है आज भी है वो वहाँ, तो ये डुम्बारी पहाड़ में उन्होंने सबको फिर इकट्ठित 9 जनवरी को बोले कि सब एकत्रित हो और आज एक अंतिम लड़ाई होगी अंग्रेजों और मिशन के खिलाफ। और ये सूचना हॉफमैन के द्वारा अंग्रेजों को मिला और पूरे पहाड़ को घेर लिया गया था और फिर वो लड़ाई बहुत हुई, चूंकि ये तीर धनुष थे, हालांकि बिरसा मुंडा ने सबको कहा कि वो जो तीर धनुष वो गोली चलाएंगे तो वो पानी हो जाएगा और ये विश्वास था। लड़ाई हुई, गोली चली, बहुत ट्राइबल मारे गए थे उसमें और सब लोगों ने वहां से बिरसा मुंडा को कहा कि आपका बचना बहुत जरूरी है क्योंकि आप रहेंगे तभी हमारा आंदोलन जिंदा रहेगा। और उस समय बिरसा मुंडा फिर वहां से उनको लोगों ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। बिरसा मुंडा ये अरेस्ट नहीं होते, ये अपने ही कुछ ऐसे साहूकार और ऐसे कुछ झारखंड के लोग थे, रायकेला के कुछ लोग थे, क्योंकि उस समय 500 रुपया की घोषणा की गई थी बिरसा मुंडा को अरेस्ट करने का। और तब ये 500 के लोग ने, 6-7 लोगों ने जाकर के बिरसा मुंडा, चूंकि कई एक जंगल में छिपके थे, वहां सोए थे और ये लोग उन्होंने जाके उनको पकड़ा, अंग्रेजों को सौंप दिया और सौंपने के बाद फिर वो उनको अरेस्ट किया गया और फिर वो लगा
कि अब ये छूटेगा तो पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि उस समय बिरसा मुंडा एक बहुत बड़ा टेरर थे इस मिशनरियों के लिए और अंग्रेजों के लिए। तो बहुत ही वेल प्लान में उनको रांची के जेल में रखा गया और जहर देके मारा गया, क्योंकि उस समय का पोस्टमार्टम आप देखेंगे तो हैजा में पेट में ब्लड क्लोटिंग की बात नहीं आती, और उसमें पोस्टमार्टम ये कहा गया था कि उनको ब्लड क्लॉट हुआ। तो ये शक के इसमें था, और उनके डेड बॉडी को भी एकदम रात के अंधेरे में जलाया गया कि किसी को पता ना चले, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी भीड़ आ सकती है। तो ये सारी चीजें वो कहानी में थी, और हमने उसको बखूबी हर बात को बहुत तरीके से रखा है, और ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने उसमें एनी हो रहे थे झारखंड पार्टी के, ये उस संदर्भ के लोग थे, वो बिल्कुल उस आसपास के नजदीक के लोग थे जिन्होंने बिरसा मुंडा को समझा था, और उन्होंने भी ये बात लिखी है। एनी हो रहे थे क्रिश्चियन थे, लेकिन उन्होंने भी ये बात मानी, और भी कई ऐसे ईसाई लेखक थे जो ये बात मानी है। जब मैंने फिल्म बनाई थी तो उस समय के चर्च के कार्डिनल थे, ये थे, सबको मैंने उस फिल्म में प्रीमियर में बुलाया था, सब लोगों ने देखा था, ऐसा कोई विरोध नहीं था उस समय, ये बात लोग एक्सेप्ट करते थे। अगर आंदोलन होना होता तो हमारी फिल्म से ही आंदोलन शुरू हो जाती कि इन्होंने हिंदू को आगे करके ये फिल्म बनाया और ईसाई के खिलाफ बनाया, अब बात ऐसी क्यों उठ रही है, अब ये सोचने की बात, क्योंकि ये प्लानिंग है, इतने प्लानिंग के तरीके से ये चीजें चल रही है कि अब कैसे भी इनको इकट्ठा करो। आज बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, ये इनको भय लगता है कि हिंदू आगे ना आ जाए, हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, तो इससे पहले इतना दबाव डालो कि ये सरेंडर कर जाए। तो ये चीजें, इसलिए बिरसा को समझें, बिरसा पे इस तरीके का आपत्तिजनक बातें लिखने और बोलने की जरूरत नहीं है। आज जाएं, ऐसे लोग जाना चाहिए, देखना चाहिए, आज भी सर्वदा जाएंगे तो आपको दिखेगा उनके अटैक का बहुत सारे चीजें। तो ये था, इसलिए मैंने बिरसा मुंडा को इस फिल्म को पहला अहमियत दिया और बनाया, और सफल भी रहा, काफी लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। कमिंग टू कंक्लूजन, तुहिन जी, यू टू आर कमिंग अप विद अ बुक ऑन लाइफ ऑफ बिरसा मुंडा बाय ऑगस्ट दिस ईयर, सो प्लीज लेट आवर ऑडियंसेस नो अबाउट इट। देखिए, प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पूरे वर्ष को आजादी का अमृत मंथन के नाम से मनाने की घोषणा की। उसका कारण यह था कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें जो सबॉल्टर्न मूवमेंट है, जो आदिवासी क्षेत्रों का मूवमेंट है, वो पूरी तरह से इतिहास के पन्नों से बाहर था। तो ये मेरे लिए हमेशा से रुचि का विषय था। अशोक जी को तो मैं जानता ही था, उनकी फिल्म भी मैंने देखी थी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक डॉक्यूमेंटेड वर्जन, और वो भी एक ऐसी किताब के रूप में, एक नॉवेल के रूप में, अंग्रेजी में कोई इसका नॉवेल ढंग का था नहीं। एक या दो किताबें मुझे पढ़ने को मिली, लेकिन वो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, उसमें ना तो कैरेक्टराइजेशन पर, मुद्दों पर जोर नहीं दिया गया। तो जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया, भारत की जो ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुई थी वो लगभग 1760 से चली आ रही थी। तिलका मांझी ने 1780 में संथाल के क्षेत्र में सबसे पहले जो है अपनी मुहिम शुरू की। तो उस गुरीला वॉरफेयर से लेकर 1947 में जो एक आखिरी, मैं मानता हूँ, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जयपाल मुंडा जी को, जो कि जब मैंने उनकी स्पीचेस पढ़ी, बी आर अम्बेडकर जी की जो एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी थी दलितों को लेकर, वो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी उनमें आदिवासियों को लेकर थी। तो एक बहुत बड़ा जो था, मेरे ख्याल से 17-18 ऐसे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको उपयुक्त स्थान नहीं मिला था भारत की फ्रीडम मूवमेंट में, और बिरसा मुंडा जो थे उसमें एक प्रमुख नाम के रूप में बिरसा मुंडा और सिद्धो कानों को मैं मानता हूँ। और चूंकि मैं खुद झारखंड का हूँ, झारखंड में बड़ा हुआ हूँ, मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी, ये चाहत थी कि मैं झारखंड को क्या दे पा रहा हूँ, मुंबई में बैठा हुआ या दिल्ली में बैठा हुआ। तो मेरे ख्याल से बिरसा मुंडा की कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्रचलित करके, अंग्रेजी, हिंदी, ये चार भाषाओं में निकल रही है, मराठी में भी निकल रही है, और उसके बाद संथाल में भी इसको निकालेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो युवा पीढ़ी है
ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो लोग पढ़े बिरसा मुंडा की जीवनी को, वो ये जाने कि किस प्रकार से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है इस तरह के भ्रम फैलाकर, जिस जो आज वायर के कायर कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने हमेशा आदिवासियों को भ्रमित किया है और आज इस प्रयास में झारखंड के सीएम भी शामिल। तो किताब का मकसद दो है, एक तो बिरसा मुंडा जी और अन्य फ्रीडम फाइटर्स, उसके बाद और भी एक दो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, ट्राइबल रेवोल्यूशनरीज के बारे में लिखूंगा कि उनको उपयुक्त स्थान मिले इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में, और दूसरा जो भ्रमित करने का प्रयास ये निरंतर करते आ रहे हैं नक्सली, उसका पर्दाफाश। I hope people who are debating about this whole issue and creating a fuss get to know the truth and do justice to Birsa Munda's life struggle, the real life struggle. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.